मध्य प्रदेश पटवारी संघ तहसील शाखा मऊगंज ने पटवारियों के निलंबन के विरोध में कलेक्टर के नाम तहसीलदार सुरेंद्र मिश्रा को ज्ञापन सौंपा है। मऊगंज को रीवा जिला के विभिन्न तहसीलों के 6 पटवारियों को बिना किसी आधार के और बिना किसी नोटिस दिए सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों के द्वारा अनावश्यक दबाव बनाकर पटवारियों से तहसील कार्यालय, अनुविभागीय अधीक्षक कार्यालय के अलावा अन्य विभागों की सीएम हेल्पलाइन सहमति से बंद कराने का दबाव लगातार बनाया जा रहा है, जबकि वर्तमान समय में पटवारी सिर्फ प्रतिवेदन देने का कार्य करते हैं। पटवारी के द्वारा प्रतिवेदन देने के बाद भी शिकायत को बंद कराने हेतु दबाव बनाया जाता है, जबकि निराकरण अधिकारी, तहसीलदार एवं SDM जनमानस के द्वारा झूठा शिकायत करने के बाद भी उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जाती है। मऊगंज तहसील के पटवारियों के साथ एक ज्ञापन सौंपने पहुंचे पटवारी संघ के अध्यक्ष मऊगंज बुद्धसेन प्रजापति सचिव प्रमोद मिश्रा ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि ये कार्रवाई के संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए निलंबन को वापस लिया जाए। निलंबन वापस ना होने की दशा में तहसील मऊगंज के समस्त पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन और प्रशासन की होगी। इस दौरान मऊगंज गिरद पटवारी ब्रजेश मिश्रा, गायत्री सिंह पटेल के साथ ही काफी संख्या में पटवारी तहसीलदार कार्यालय मऊगंज ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। ये हम लोग पटवारियों के लिए ये सीएम हेल्पलाइन के कितने आवेदन दे रहे हैं और जबरदस्ती को बात आ रहे हैं कि सीएम हेल्पलाइन बंद करिए और इस सीएम हेल्पलाइन बंद न करने के काम हम लोग को सस्पेंड किया जा रहा है और जान बूझ के प्रताड़ित किया जाता है। भाई हम लोग इसमें सीएम हेल्पलाइन का दबाव मानते हैं और इसको बंद कराएं, जबकि ये दिया जाए क्या है अधिकारी हम लोग रिपोर्टर हैं और बंद कराने की जवाबदारी ऊपर वाले अधिकारियों की, हम उनको कहते हैं कि बंद करिए, करवाइए, नहीं पसंद करते। तो संघ की मांग क्या है? मांग है सर हम लोगों को ये भाई ये गैलवन अधिकारी हम लोग रिपोर्टर हैं, हमसे रिपोर्ट ली जाए और जो बंद कर रहे हैं ऊपर वाले अधिकारी को बंद कराए। इसके बाद पटवारी सस्पेंड हुए हैं? पटवारी सस्पेंड हुए हैं। अच्छा, वो इस हमारी मांग ये है कि सभी पटवारियों को अभी अभी निलंबित कर दिया है कलेक्टर साहब की तरफ से, उन सभी पटवारियों का निलंबन वापस हो जी। एलबन अधिकारी तहसीलदार होते हैं तो तहसीलदार अपनी तरफ से जवाब करवाए, हम लोगों से रिपोर्ट, हम केवल रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तो हमारी रिपोर्ट यही जाए के आधार पर वो सीएम प्लान की जवाब करवाए। उसमें हमारी जो कमियां हैं उन कमियों को हम मानते हैं, उसके अलावा जो जो मतलब समस्याएं हैं उन समस्याओं को अपने स्तर पर। तो क्या मानना है कि इसको सस्पेंशन हुआ तो वो सही नहीं था? तो सस्पेंशन मिला के जिस तरीके से सस्पेंशन किया गया कि सीएम हेल्पलाइन में कभी कभी सीएम हेल्पलाइन जो होती है वो सीएम हेल्पलाइन सही भी नहीं होती है और बहुत सारी झूठी सीएम हेल्पलाइन होती है, उन सीएम हेल्पलाइन के बेस पर अगर आप सस्पेंड करना चाहेंगे तो फिर कोई पटवारी काम नहीं कर पाएगा। तो इसके बाद आप लोग क्या होगा निर्णय? हमारे जिले की कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि कल हम लोग पूरी तरह से अवकाश करेंगे और परसों अगर हमारे सभी साथियों का निलंबन वापस नहीं होता है तो हम लोग इसमें पूरे जिले के जो समस्त पटवारी हैं वो हटा देंगे। तो कल सांकेतिक कल का सांकेतिक होगा? अच्छा, कल सांकेतिक होगा, इसके बाद निर्णय लेंगे आप लोग, है ना?